ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था और वो पोर्शे कार थी जो सुपर कार है। तो सुपर कार आप एक बिजी रोड में कैसे चला सकते हैं 200 की स्पीड में, और वो भी बिना नंबर प्लेट की। ऊपर से आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ऊपर से आप माइनर भी हैं। तो ये सब हमको पता चला था उसके बाद। भरी तो नहीं करना चाहिए, आपको सब पता होने के बाद आप कर रहे हो तो उसमें में इनोसेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 0% इनोसेंस है उसमें। उसको सब पता होने के बाद उसने किया। कल्पना कीजिए, एक परिवार अपनी बेटी की शादी के सपने देख रहा है, लेकिन अचानक वही बेटी घर नहीं बल्कि अर्थी में लौटती है। ये कहानी है जबलपुर की 25 वर्षीय युवती की, जो एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। जबलपुर में रहने वाले इस परिवार ने हमेशा अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था। ये युवती न केवल परिवार की शान थी, बल्कि अपनी छोटी छोटी खुशियों से उन्हें सरप्राइज देना भी पसंद करती थी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बेटी इस तरह से सरप्राइज देगी। 18 मई की रात पुणे में एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। कल्याणी नगर के पास 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही एक पोर्शे कार ने उस युवती और उनके दोस्त को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोकल 18 ने जब युवती के भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें अपनी बहन के फोन से कॉल आया, लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्त की आवाज़ थी। उन्होंने बताया कि युवती का एक्सीडेंट हो गया है। जब भाई के ने पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि हादसे में उनकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर पूरा परिवार घबरा गया और तुरंत पुणे के लिए रवाना हो गया। पुणे पहुंचने पर परिवार को पता चला कि एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए यह भयानक हादसा किया। इस लापरवाही ने उनकी बहन और उनके दोस्त की जिंदगी छीन ली। पोस्टमार्टम में काफी समय लग गया, जिससे उनके दुख में और भी इजाफा हो गया। एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी बहन थी और हमको रात में कॉल आया था, उसी के मोबाइल से आया था, उसके फ्रेंड्स ने किया था जो उसके साथ थे। तो जैसे आया कॉल, वैसे ही हम पुणे के लिए निकल गए। तो उसकी कॉल उसके मोबाइल से आया था कॉल, तभी हमको पता चला। उन्होंने वो तो यही बोल रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली एकदम वो नहीं किया। पहले तो ये बोला कि अब एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। तो हमने बोला, हम एकदम घबरा गए कि एकदम से कैसे जाएंगे। तो फिर और थोड़ा सा क्यों क्या हुआ पूछने के बाद बोले कि अश्विनी की डेथ हो गई है, तो आप जल्दी आ जाओ। तो हमको जैसे ही ऐसा पता चला, हम निकल गए।